नोटबंदी से काला धन सफेद में बदला। हम सब जानते हैं कि नवंबर 2016 को क्या हुआ था, काले धन का खात्मा कहाँ हुआ, यह काले धन को सफेद बनाने का एक अच्छा तरीका था। यानी मोदी सरकार बहुत बुरी दलदल में फंस रही है, बस उस सच को छुपा कर इसको जनता तक नहीं पहुंचने देना चाहती है, लेकिन अब जनता पहुंच रही है और वो पहुंचा रहा है, वो जो दूसरा ग्रुप का यूट्यूबर्स है वो पहुंचा रहा है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कैसे पूछ रहा है, जो आपको मैंने 3 तारीख के बाद बताया, तो आपको कुछ चीज मैं दिखाता हूं। तो ये असर का होता है, जैसे आप राम मंदिर कहते हो कि मोदी जी ने दिलवा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे निर्णय दिया, जनता उस पक्ष में थी, सुप्रीम कोर्ट को दिखता है चीजें। तो अब आप देखिए इसको, नथिंग हैज बीन रिकवर्ड, देयर इज नो ट्रेस, सुप्रीम कोर्ट टेल्स ईडी व्हाइल हियरिंग आप लीडर संजय सिंह बिल प्ले, अगर बिल जो है प्ले, अगर सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर मैं जमानत दे दूंगा तो आपके ना ट्रायल पे असर पड़ जाएगा, समझ लेना, केस खत्म हो की स्थिति। तो मजबूरी में ईडी ने कहा कि भाई उनको जमानत दो, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ये स्थिति आ गई। रामदेव वाली स्थिति में देखिए, जनता अभी तक उम्र पर थी, रामदेव जैसे, ये देखिए आप संजय सिंह 6 महीने से जेल में, उनके पास कोई पैसा नहीं मिला, अभी भी ईडी संजय सिंह को हिरासत में क्यों रखना चाहती है, हिरासत में, ये मैसेज जा रहा है देश बड़े पैमाने पर। रामदेव वाली स्थिति में देखिए, आज राष्ट्रवादी जमात आपको कहीं रामदेव जी के पक्ष में खड़ा हुआ नहीं दिखा, उनके पुराने ट्वीट निकलने लगे कि जब काला धन आएगा तो मोदी जी आएंगे तो 30 रुपए पेट्रोल लाएंगे, मोदी जी आएंगे कि रविशंकर ने कहा मोदी जी आएंगे तो टैक्स हटा देंगे। जनता ने इन सब के समर्थकों ने भी बढ़ोतरा किया, वाई यूनियन गवर्नमेंट डिड नॉट एक्ट अगेंस्ट पतंजलि, आपने देखा होगा इनके पक्ष में वो राष्ट्रवादी जनता नहीं उतरी जो कभी उतरती थी। तो वो पूरे जनता का माइंडसेट आपको बता रहा हूं कि वो बदल रहा है पूरी तरह से, और ये मोदी जी भांप रहे हैं, बहुत अच्छे से भांप रहे हैं, और इसलिए उनके बयानों में वो, और उसमें पुराना कहावत है ढेकना बाजे जोर से, तो वो भ्रष्टाचार पे और चिल्ला रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, और वो भ्रष्टाचार लेवल चिपक गया है, उससे अब कोई बचा नहीं सकता इनको, इलेक्ट्रल बॉन्ड से, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग से, कालाधन को गोड़ा करने के ब्लैक मनी, ये नोटबंदी आदि से, और कांग्रेसी भ्रष्टाचारियों को पार्टी में भरने से, ये पूरी तरह से चिपक गया। उनके बॉडी लैंग्वेज को आप ध्यान से वॉच करके देखिए।